हिसार शहर में अनेक जगह बप्पा को भक्तिपूर्ण नम आंखों से विदाई दी गई। पिछले 10 दिनों से गणपति बप्पा विराजमान थे, आज अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस जल्दी आके नारों से गूंज उठे शहर की परिसर। हिंगनघाट नगर पालिका द्वारा बनाए गए प्राकृतिक जल कुंड में और घर पे कुछ लोगों द्वारा जल कुंड बना के किया बप्पा का विसर्जन। पिछले 2 साल से कोरोना प्रादुर्भाव रहते गणपति उत्साह पे पाबंदियां थी, लेकिन इस साल पाबंदियां हटते ही बप्पा के भक्तों में दिखा गणपति विसर्जन का उत्साह। परिसरात नगरपालिकेकडून जलकुंड बनवला आहे। जलकुंड जवळपास नगरपालिकेकडून असे प्राकृतिक जसे गणपती विसर्जनासाठी 5 जलकुंड हे शहरात बनवले आहे, तेव्हा उत्फुल्ल आम्ही या परिसरात जलकुंडात आलो आहोत। अभी तो काफी खुशी हो रही है कि 2 साल के बाद ये फिर से चालू हो गया है। जैसे पहले का चलता था माहौल वैसा ही माहौल है, और ये भी काफ़ी खुशी हो रही है कि इस तरह से इन रोटरी क्लब वालों ने जो हमें सुविधा प्रदान की है इनाड़ वासियों के लिए, सभी को काफी सुविधा प्राप्त हो रही है, काफी आनंद आ रहा है। हिंगनघाट से कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि योनारकर की रिपोर्ट।